नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राज्य भर में मॉनसून अभी भी सक्रिय है, जिससे बारिश का दौर लगातार जारी है। बिहार के कुछ जिले में बीते दिन हल्की से मध्यम बारिश हुई, बाकी के जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। वहीं राजधानी पटना में एक बार फिर लोगों को उमस भरी गर्मी ने परेशान किया। वहीं एक और बारिश के कारण नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी छोर हिमालय की तलहटी के साथ साथ समुद्र तल पर अभी भी जारी है। हालांकि मॉनसून ट्रफ का पूर्वी छोर लखनऊ, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, कोचाई और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की उत्तरी खाड़ी से होकर गुजर रही है। पश्चिम बंगाल तट से दूर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसके प्रभाव से आज उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस कारण इसके सटे बिहार के इलाकों में एक दो जगहों पर बारिश की संभावना है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का तांडव पहले से ही जारी है, ऐसे में बारिश का लगातार होना हालात को और भी खराब कर सकता है। नेपाल और तराई क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही है, जहां नदियों के जलस्तर में इजाफा जारी है। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 29 अगस्त के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में आज कुछ ही जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी आज कुछ ही जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया के अधिकतर जगहों पर आज बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ ही स्थानों पर बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय के कुछ ही जगहों पर आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। विशेष रूप से राजधानी पटना की बात करें तो आज पटना सहित इसके सटे इलाकों में एक दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।